भाई ओ ओ भाई देखिए अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कश्मीर और मैं हूं आपका होस्ट यूनिस खान। और आज फिर से आ गए हैं हम एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम एक बहुत खूबसूरत जगह जाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अभी फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं दानिश साहब का, जो कि अभी घर पर ही है, निकल ही नहीं रहे। आधे घंटे से हम उनका वेट कर रहे हैं, पर ये देखिए फाइनली दानिश साहब निकल चुके हैं और हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये अर्शद साहब, इनको हमने आज बिना चाय के ही घर से निकालना। बेचारे ये बहुत मायूस दिख रहे हैं। आप क्रिमशोरा पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कुछ खाने के लिए रुके हैं क्योंकि अर्शद को बहुत भूख लगी है। इस टाइम टाइम आया है 11:30 और ये लोग चिकन कांति खाने बैठे हैं। ये देखिए आप, गौर से देखिए इन चेहरों को। पहले ब्रेकफास्ट और उसी के साथ खाना भी ये खाने वाले हैं। समझ रहे हो 12 बजे। ये देखिए आप, यहाँ पे ये लंच करने बैठे हैं। यहाँ अर्शद साहब देखिए मजा ले रहे हैं कांति का। फाइनली हमारा लंच भी हो गया, अब हम आगे की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा और वहाँ पे दत्तपत्र में क्या अवेलेबल होगा, इसलिए हमने ये खत्म कर लिया सर। दत्तपत्र पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे सामने नज़ारा। दत्तपत्र की डिस्टेंस जो है श्रीनगर से ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर्स की है और श्रीनगर से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगता है दत्तपत्र तक। और अगर हम बड़गाम की बात करें तो बड़गाम से ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पे हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है जैसा कि हमेशा दत्तपत्र में होता आ रहा है।
हमारे सामने आप देख सकते हैं स्टाइल गंगा का नजारा। इस टाइम ज्यादातर बर्फ ही नजर आ रही है। अगर हम शाली गंगा के पानी की बात करें तो ये 12 महीने ठंडा ही रहता है, बहुत ज्यादा ठंडा। दत्तपत्र की भी एक अपनी कहानी है जो हमें बुजुर्गों से सुनने को मिली है कि जब शेख नूरदीन नूरानी साहब यहाँ पे इबादत करते थे तो एक बार जब वो पानी ढूंढ रहे थे तो वो उन्होंने अपनी लकड़ी से जब जमीन को खोदना स्टार्ट किया तो वहाँ से दूध निकल आया, और जब उन्होंने दूध देखा तो उन्होंने कहा इससे मैं वजू तो नहीं बना सकता, ये तो मैं पी सकता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा तो जो दूध है वो पानी में बदल गया और तब से इसका नाम दूध पथरी रखा गया। ने आप ये बहती हुई शाली गंगा देख रहे हो, इसका सोर्स जो है वो अश्तार ग्लेशियर से है, जहाँ पर समर्स में बहुत सारे ट्रैकर्स ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और बहुत लुत्फानंदोज होते हैं उस ग्लेशियर पे। आप देख सकते हैं दत्तपत्र में धूप भी खिल चुकी है। यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कब धूप हो कब बारिश हो कब बर्फ हो कुछ पता नहीं चलता दत्तपत्र। ये देखिए अर्जित साहब नीचे शाली गंगा की ओर जाते हुए, अगले पल पता नहीं क्या होगा, वीडियो में बने रहिए। जब भी आप दत्तपत्र आए एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, नमकीन चाय का लुत्फ़ ज़रूर उठाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही स्वादिष्ट मक्की की रोटी मिलती है। मक्के की रोटी खाते हुए अभी ये चाय भी पियेंगे। अर्जित साहब आपको कैसा टेस्ट लगा इसका? ओके थैंक यू। आज का व्लॉग यहाँ खत्म होता है, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी एक नई डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हमारी चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करे और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दे ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।